हेलो एवरीवन, क्या हाल है। सो हम हैं आज डेल्टा पेट्रोल सीवीटी में। ये काफ़ी चल चुकी है गाड़ी, कितनी एक सेकेंड, तो उसके अभी 13 की माइलेज हो रही है। अगर आप प्यार से चलाओ तो ये 15 तक भी दे देती है, सुनने में आया। सो 50,000 चल चुकी है कार। डेल्टा वेरियंट बटन निकल गया, फोटो में नहीं डालता, ये डाल देता हूँ, सॉरी। सो इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तभी डेल्टा वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी, एटलीस्ट नेक्सा में। बट सियाज में अलॉयज आते हैं, इस वाली में अलॉयज नहीं आते। ऑटो टच अप डाउन, स्टेयरिंग कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है इसमें, तो काफ़ी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको इसमें मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक वो नहीं है, रियर एंड मिरर, सेंटर में भी लाइट है, आगे भी लाइट है, जो स्विफ्ट में नहीं आती। इसमें हाइट एडजस्टर नहीं है, वो बढ़िया है सेल, इसका भी रिव्यू करेंगे, वो भी मेरे फ्रेंड के। सो लेट अस गो। एक सेकंड, मैं फ्रेंड को पकड़ा देता हूँ। पीछे भी दो लोग बैठे हैं और लेगरूम बहुत अच्छा है, तो बलिनो की खास बात यही है, एक सेकंड, बलिनो की खास बात यही है कि कम पैसों में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस और प्रीमियमनेस मिलती है। इसका आगे बहुत लॉन्ग नोज है जिसके कारण बहुत अच्छी फील आती है। एक सेकंड होते चल बना, बलिनो की सबसे खास बात यह है कि इसमें कम पैसों में ज़्यादा अच्छी फील मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम फील होती है। लोग कहते हैं यार इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है। बीच में मेरे बेटे की बातें भी आई जाएंगी, तो पीछे बैठा हो, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। तो लोग कहते हैं कि इसको टीन का डब्बा या बिल्ड क्वालिटी ऐसी है या फलाना ढमकाना जो भी है, बट ऑनेस्टली पता है जब बलिनो नई नई आई थी ना, तो जब मैंने इको स्पोर्ट ली थी तो रिट्स से इको स्पोर्ट लेने का मन मेरा इसलिए बना था क्योंकि मैं बलिनो की टेस्ट ड्राइव लेने गया और मैंने देखा वाओ बलिनो कितनी अच्छी कार है, चलो न्यू कार लेते हैं। तो न्यू कार लेने की सोच मेरे को बलिनो ने दी थी। उसके बाद मैं मार्केट में देखता रहा, तो मैंने कहा यार कि बलिनो के रेट में इको स्पोर्ट मिल रही है बेस मॉडल, तो ऐसे मैं इको स्पोर्ट ले आया था। बट बलिनो वॉज तब भी बहुत बहुत इंप्रेसिव कार थी और अभी भी बहुत इंप्रेसिव कार है, अभी भी बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं, इसकी अपनी फैन फॉलोइंग है। और उस टाइम मुझे याद है मैं जैज और बलिनो में बैक टू बैक बैठ के देख रहा था और ये उससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड थी और एनवीएस लेवल बहुत अच्छे थे। तो एक चीज़ जो आपको सबकॉन्शियसली लग्जरी का या सेगमेंट का बहुत अच्छे से बताता है वो एनवीएस लेवल्स। सो इवन इट्स अ डीजल और पेट्रोल, इस गाड़ी का शोर बहुत कम है, इंजन बहुत रिफाइंड है दोनों इंजन में, और सबसे बड़ी बात बाहर से अंदर शोर नहीं आता। तो आप ये बात कह सकते हो यार कि ये हल्की कार है, हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर बनी है, या एक्सीडेंट वगैरह होता तो इसके अंदर से या इसके पार्ट्स वगैरह ज़्यादा दब जाते हैं, वो मेरे को लगता है क्रम्पल जोन्स के कारण आपको लुक थोड़ी और ज़्यादा ख़राब लगती है, बट एटलीस्ट आपको शोर बाहर का अंदर नहीं आता। जो अगर मैं i20 या जैज से कंपेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं i20 और उसका फिर भी बराबर है प्रीमियमनेस फील। i20 में स्पेस की फीलिंग इतनी नहीं है जितनी इसमें है, बट जो एनवीएस लेवल वाली चीज़ है, जो ये वाली प्रीमियमनेस फील है कि बाहर से शोर नहीं आता और आप एक सिक्लूडेड से एरिया में बैठते हो, वो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर टू, जो उसका कॉकपिट एरिया है, मतलब कि अभी जिस तरह से मैं बैठा हूँ, सो दैट फील्स, एक सेकेंड, मतलब द होल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की मुझे लग रहा है आगे कार बहुत लंबी है, मैं बहुत ही संग डाउन होकर बैठा हूँ। द स्टेयरिंग इज क्वाइट, मतलब जैसे स्विफ्ट और बलिनो वगैरह बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा स्विफ्ट इज अ रियली कॉम्पैक्ट कार, पता लगता है वो छोटी कार है, और ये चला के भी बैठ के भी और जिसकी स्टेबिलिटी भी है, हैंडलिंग भी है, उससे लगता है कि ये बड़ी कार है। सो दीज आर द वेरी बिग बेनिफिट्स ऑफ बलिनो जिसके कारण बलिनो की अपनी फैन फॉलोइंग है। बट जबकि रिलायबिलिटी प्रैक्टिकलिटी सारी मारुति वाली है कि होगा कुछ नहीं, रीसेल बहुत है, माइलेज बहुत है, ड्राइविंग बहुत अच्छी है, स्टेयरिंग बहुत अच्छा है। तो अगर बाकी मारुति से भी कंपेयर करें तो उसके बाद भी इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। पहले वाली जो बलिनो थी उसके अंदर सस्पेंशन इश्यूज कुछ थे, कहते टॉप मॉडल में लास्ट में अलॉयज जो बड़े थे तो उसके करके उसको इशूज आता था कि जटर करती है जो खराब सड़कों से निकलते, तो उन्होंने वो भी ठीक कर दिया। बट ये डेल्टा वेरियंट है, इसमें अलॉयज नहीं है, इसमें 15 इंच के टायर हैं जो एक्जैक्टली, मतलब 15 इंच के टायर मेरी सियाज में भी आते हैं और स्विफ्ट में 15 इंच के टायर नहीं आते। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल कार, बट एवरीथिंग इज बिगर ऑन दिस कार, द फीलिंग, स्पेस, प्रीमियमनेस, एवरीथिंग। सो अब हम सीवीटी की बात कर रहे हैं, तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि बिल्कुल भी लैग नहीं है या बिल्कुल भी मेरे को झटका नहीं पड़ रहा है, इट इज एग्जैक्टली वेरी कन्वीनियंट और रबर बैंड इफेक्ट इतना नहीं है। बट एक बात जरूर है इस गाड़ी में कि आपको वो एक वीडियो कि अगर आप इस गाड़ी को स्पोर्टी चलाना चाहते हो तो उसमें आपको मजा नहीं आने वाला। अब जैसे मैं आप डीप ही चल रहा हूँ तो मुझे पता है मैं अगर कंसिडरली आराम से चला रहा हूँ तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, शिफ्ट्स का कुछ आइडिया नहीं लग रहा, कुछ नहीं पता लग रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बहुत रिफाइंड है और बहुत आराम से रेंज जरा उठ रही है। बट अगर मैं चाहूँगा गाड़ी पर कंट्रोल लेना, अभी मैं ले नहीं रहा बिकॉज माई फैमिली विद मी और ये भाई साहब ऊपर चढ़ूँगा गुगू, तो मैं आपको वैसे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उस केस में सीवीटी जवाब दे देता,
मतलब आपको कंट्रोल नहीं कर पाते कि कब शिफ्ट लेना है कब शिफ्ट नहीं लेना, और कहीं ना कहीं जैसे क्योंकि मैंने AMT बहुत ड्राइव करी है, AMT में आप फिर एंथुजियास्टिकली ड्राइव कर सकते हो, CVT में बहुत मुश्किल है, और बलेनो की CVT में तो आई थिंक होंडा सिटी से ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू विल मतलब आप पूरी रेस दे दोगे और ये अपने मतलब ऐसा लगेगा उसी गियर में थोड़ी ज़्यादा रेस दे रही है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दिस गियर बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू ड्राइव इट स्पिरिटेड। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्पोर्ट्स में तो फास्ट हो जाता है, तो आप नॉर्मल डी से तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए स्पोर्ट्स वाले में इसको थोड़ा भगाना, बट उसमें भी ऐसा लगता है कि आपने रेस दी तो इनिशियली जबरदस्ती उन्होंने थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़ा दिया, बट उसके बाद उसने रेव्स कोई ज़्यादा नहीं ली। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस वाले CVT गियर बॉक्स बलेनो में स्पेशली, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डीजल वाली है पेट्रोल वाली है मैनुअल, तो उसमें अगर आपका थ्रॉटल का प्ले एरिया है, सपोज करो आप पैर अगर थ्रॉटल पे पैर दबा दे तो वो यहाँ तक जाती है थ्रॉटल नीचे, इसमें लगता है कि वो एरिया ही बहुत कम है, मतलब ऐसा लगता है कि पैडल और मूव ही नहीं हो रहा, कि आप थोड़ा सा पैडल मूव कर रहे हो और उसके अंदर ही सब कुछ अपना समझ के करी जा रही है, मतलब इट्स लाइक जैसे वीडियो गेम में आपने रेस देने के लिए एक बटन दबा दिया वैसा फील हो रहा है, मतलब द थ्रॉटल सेंसिटिविटी इज वेरी पुअर। अब आई डोंट नो इट्स विद दिस पर्टिकुलर कार और वैसे ही है, बट ये वाली गाड़ी मैंने जब भी चलाई है बहुत देर से बहुत बार चलाई है तो हमेशा मुझे फील होता है, इसलिए मुझे हमेशा बहुत नंब सी लगती है। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ ऑल द अदर्स हु ड्राइव दिस बलेनो CVT, बट आई वुड सजेस्ट कि दिस इज अ वेरी गुड कार फॉर फीमेल्स और वेरी गुड कार फॉर पीपल हु वॉन्ट प्रैक्टिकलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड द कन्वीनियंस ऑफ एन ऑटोमेटिक, बट दे डोंट लाइक टू ड्राइव द कार एंथुजियास्टिकली, उनको कम्फर्ट चाहिए, अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, तो राइड क्वालिटी के मामले में इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कार, मतलब सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है, खराब सड़कों से भी आराम से निकल जाती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी गाड़ी की बहुत अच्छी है, आप हाईवे पे भगाते हो गुगो, आप हाईवे पे भगाते हो तो बहुत मजे से चलती है, एंड अदर देन दैट माइलेज एक्सट्रीम, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली गुड। सो दीज आर माई क्विक ओपिनियन ऑन द बलेनोस पेट्रोल CVT इटसेल्फ, सो प्लीज लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट और नॉट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय सिंगर माई अदर वीडियो, ये थोड़ी मुझे आप बड़ी रॉ और देसी लग रही है बट ठीक है सारी भी ऐसी होती है, सो अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ आस्क मी, 15 की माइलेज ये कार दे रही है, सर्विस कॉस्ट नॉर्मल पेट्रोल जितनी है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, एंड नॉर्मल पेट्रोल से आई थिंक CVT गियर बॉक्स आई थिंक 80-90 हज़ार महंगा था उस टाइम, अभी के लिए आपको पता करना पड़ेगा क्या रेट से, क्योंकि बलेनो भी चेंज हो गई है, BS6 भी आ गया, BS6 BS4 से 10-15 हज़ार रेट महंगा है, एक इनका हाइब्रिड वर्जन भी आ गया वो 1 लाख रुपये महंगे, तो बिल्कुल वर्थ नहीं लगता कि पेट्रोल में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए 1 लाख रुपये बेटर ज़्यादा खर्चने का कोई पॉइंट नहीं है, बट अदर देन दैट इट्स अ प्रैक्टिकल गुड कार इफ़ यू लिव इन अ सिटी लाइक दिल्ली और समवेयर जहाँ पर बम्पर टू बम्पर जाम बहुत लगता है। थैंक यू, बाय।